बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि अकबरपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी इनके साथ रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आगरा और फतेहपुर सीकरी की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री मोहन यादव को सीतापुर, बहराइच और कैसरगंज का जिम्मा सौंपा गया है। सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव, मोहनलालगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ और बाराबंकी लोकसभा की भी जिम्मेदारी यही संभालेंगे। इधर यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह को अलीगढ़ और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। तो भाजपा के ये वो बड़े नाम जहां जिन्हें महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल है जिन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ साथ देखिए, पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें डुमरियागंज, महाराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर और कुशीनगर की भी यही जिम्मेदारी संभालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान और इसके लिए तमाम जो बड़े नाम है उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद के मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधा। लोकतंत्र में संसद भवन का मंदिर होता है, ऐसे मुद्दों पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए संसद भवन का लोकार्पण देशवासियों का सौभाग्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बंपर जीत का उन्होंने दावा किया और यूपी में सभी 80 की 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सबके लिए बहुत गर्व का विषय है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन का को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि इसमें राजनीति ना करें और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए, सरकार की बात है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो फरुखाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पॉलिटेक्निक छात्रों के बीच टैबलेट भी वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर की चाबी भी सौंपी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को चेक भी दिया। बाद में मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया। प्रदेश की सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा हुई है, बहुत अच्छी समीक्षा रही है। फर्रुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हमें स्थापित करना है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को धरातल पर 100% उतारना है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल बेहतर से बेहतर स्थिति में हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।